हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुराने सलवार और वेस्ट कपड़े से बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाने सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी और कम कपड़े में बनकर कंप्लीट हो जाता है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डोरमेट बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डोरमेट बनाने के लिए ये मैं पुराना सलवार ली हूँ। देखिए, पुराने सलवार को इस तरह से रख लेना है। फ्रेंड्स, देखिए, इसके नीचे से इसको कटिंग करके निकाल देना है। और ऊपर साइड देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। देखिए, सलवार को कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद डोरमेट के बेस के लिए मैं यहाँ पुराने पैंट के कपड़ा यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं। देखिए, इसका लंबाई है 25 इंच और चौड़ाई है 17.5 इंच। देखिए, सलवार से जो कपड़ा कटिंग किए हैं इसको इस तरह से उल्टा रख लेना है। इसके बाद डोरमेट का बेस इसके ऊपर रख लेना है। इसी के साइज का इसमें से कपड़ा कटिंग कर लेना है। देखिए, नीचे डोरमेट का बेस है और ऊपर से कपड़े को रख लेना है। और यहाँ से 2-2 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए, इस साइड पूरे 2-2 इंच पर मार्क लगा लेना है। देखिए, दूसरी साइड भी इसी तरह 2-2 इंच पर पूरे में मार्क लगा लेना है। और ऊपर 2 इंच पर मार्क लगाए हैं और नीचे 2 इंच पर मार्क लगाए हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह पूरे कपड़े में 2-2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, पूरे कपड़े में 2-2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। इसके बाद कपड़े को इस तरह से पिन अप कर लेना है। इसे सिलाई करने में आसानी होती है। और ये जो मार्क लगाए हैं इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। देखिए, पूरे कपड़े में 2-2 इंच पर सिलाई लगा दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी, दुपट्टा और सिलाई करते हैं तो जो कतरन बच जाता है, इन सबको आज डोरमेट बनाने में यूज करेंगे। देखिए, ये जो डोरमेट का बेस बनाए हैं और 2-2 इंच पर सिलाई लगाए हैं, देखिए ये कतरन है, इसको डोरमेट में भरेंगे। सेफ्टी पिन में इस तरह से लगाकर देखिए, 2-2 इंच का ये गैप छोड़े हैं, इसके अंदर इस तरह से कतरन को भरना है। देखिए, इस तरह से पूरे कपड़े में कतरन को भर लेना है। देखिए, ये 2-2 इंच पर सिलाई लगाए हैं, सभी में वेस्ट कपड़े को भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ से इस तरह सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए, सिलाई लगा दिए और इधर भी सिलाई लगा दिए।
और जो बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़ा इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। और दूसरी साइड भी बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। देखिए दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल दिए हैं। इसके बाद पाइपिंग के लिए ऐसा चार पीस कपड़ा लेंगे। देखिए कपड़े को चारों साइड इस तरह रख लेंगे। देखिए इसका चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई डोरमेट के बेस से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। देखिए इसको यहाँ से पकड़कर ये पूरा सिलाई लगा देना है। फिर इसको थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देखिए इस साइड पाइपिंग सिलाई कर लिए और एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए दूसरी साइड कपड़े को इस तरह रखकर सिलाई लगाना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ। कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से पूरा सिलाई लगा देना है। देखिए इधर भी कपड़े को सिलाई कर लेना है और थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और इस साइड भी सेम इसी तरह से पाइपिंग सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स चारों साइड से पाइपिंग सिलाई कर लिए हैं। इस तरह से डोरमेट बनकर कंप्लीट हो गया है। मेरा डोरमेट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।